गाइस संडे का दिन है और हम लोग निकल गए हैं सरिस्का की तरफ और ये पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। अभी हमने रुक के यहाँ पे पंचगांव करके एक छोटा सा ढाबा है वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जगह खुली है, सुंदर है और अब आपको पूरा आगे का रास्ता दिखाएंगे और बताएंगे कि सरिस्का जाना दिल्ली या गुड़गांव से कितना आसान है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो यहाँ से इट इज़ 190 किलोमीटर्स और जो सुबह का टाइम हम निकले 8 बजे करीब तो दिखाया है कि 3 घंटे 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। तो अगर आपको पास में किसी शॉर्ट ड्यूरेशन विजिट पे जाना है तो ये एक जगह कंसिडर की जा सकती है। बाकी आगे चल के देखते हैं कि वहाँ पे और देखने के लिए है क्या। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा सा जाम है बीच में कोई 20-25 मिनट का। मेरे को लग रहा है ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उन्होंने अपना गए हैं सरिस्का टाइगर हेवन। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में मंगल कर रखा हो। अंदर देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। दिस इज द साइड जहां पर टेंट हाउसेस हैं, सो यू कैन सी ये सारे स्ट्रक्चर्स अलग से बनाए। आइए मैं आपको अंदर से ये टेंट का रूम दिखा देता हूँ। ये पूरा टेंट का छत बनी हुई है, एक छोटा सा कैबिनेट यहाँ पे है, बेड काफी कंफर्टेबल बेड था। टीवी और एसी आपके इस तरीके से आते हैं, साथ में एक टेबल है, इसी के नीचे ये मिनी बार है। वॉशरूम का दरवाजा बड़ा यूनिक है, ये दरवाज़ा जो आपका वैनिटी के लिए खुलता है, ये पहले यहाँ पे आप अपना ड्रेसिंग रूम समझ लीजिए और यही सेम दरवाज़ा अगर आप बंद कर देंगे तो ये यहाँ से भी बंद हो जाएगा और ये आपका बाथरूम आ गया। तो चाहे तो आपसे सिर्फ बाथरूम बंद कर लीजिए इस तरफ करके और चाहे आप ये पूरा एरिया ब्लॉक कर सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर और कम्फर्टेबल रूम था। This is the pool area. और ये यहाँ पे एक्टिविटी रूम है, सो यहाँ पे बैडमिंटन है और अंदर चल के देखते हैं ये अंदर क्या चीजें हैं। यहाँ पे कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत शायद इंडोर गेम्स वहाँ पे और रखे हुए हैं। ये दो जो हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये VIP कॉटेज जिसको बोलते हैं, इसमें थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा सा हाइट पे बना हुआ है स्ट्रक्चर, पता नहीं क्यों, बट चीज़ वही है, रूम एक ही है लेकिन साइज में बड़ा है। रात हो गई है, हम आ गए हैं, ये रूम नंबर 101 और 102 हमारा और बच्चों का है। फटाफट मैं आपको यहाँ का भी रूम दिखा देता हूँ। जो हमने पहले देखा था वो टेंट कॉटेज था, टेंट रूम था, ये इनका नॉर्मल रूम है जिसमें हम सेकंड डे शिफ्ट हो गए हैं। मिनी बार, छोटा बच्चों का बेड लगा हुआ है, ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि एक्स्ट्रा बेड ले लिया है। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, आर्किटेक्चर भी अगर आप देखेंगे तो नथिंग लग्जूरियस अबाउट इट, बट काफी कन्वीनियंट है। तो सिंपल रूम, इस रूम का और दूसरे रूम का मिला के हमने, क्योंकि स्टर्लिंग रिजॉर्ट के थ्रू बुक कराया है, वी हैव पेड अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपीज फॉर 2 नाइट्स फॉर 2 रूम्स विच इज डैम चीप, ऑलमोस्ट 1500 रुपये पर नाइट पर रूम आ रहा है। उसके हिसाब से तो रूम काफ़ी कन्वीनियंट है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। ब्रेकफास्ट आपको यहाँ पे मैंडेटरी लेना पड़ेगा उनके हिसाब से, जिसका वो ऑलमोस्ट 300 रुपये पर पर्सन पर डे चार्ज कर रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड इन माय व्यू। और खाना बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सर्विसेज अच्छी हैं। सो वी
नजर आ रही है। साबूदाना खिचड़ी, कर्ड, बॉइल्ड एग्स एंड एक्स टू ऑर्डर।